नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूं आज सदाबहार के फ़ायदे। कैंसर में सदाबहार, डायबिटीज़ में सदाबहार, जी हां, और ब्लड प्रेशर में सदाबहार के फ़ायदे। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं जो देखने में हमारे चारों तरफ कहीं भी मिल जाता है, मगर इसके गुण न मालूम होने के कारण इसको खरपतवार की श्रेणी में रख कर इसको उखाड़ कर फेंक दिया जाता है। मगर ये साधारण सा दिखने वाला पौधा कैंसर, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर के लिए अत्यंत फायदेमंद है। तो आइए आज हम सभी जानते हैं इस पौधे के बारे में। इस पौधे का नाम है सदाबहार। इसको सदाबहार इसलिए कहा गया है क्योंकि ये 12 महीने यानी कि पूरे वर्ष फूलता रहता है, इसीलिए इसको 12 मासी सदपुष्पा भी कहा जाता है। अब आइए हम जानते हैं कि ये किस प्रकार से किन बीमारियों में फायदा करता है। कैंसर में सदाबहार के फायदे और उपयोग। सदाबहार की पत्तियों में दो एल्कालॉइड पाए जाते हैं, विनक्रिस्टिन एंड विनब्लेस्टिन। एलोपैथी में इन दोनों नामों से इंजेक्शन भी आते हैं जो मुख्यतः कैंसर के रोगियों को दिए जाते हैं। ये कैंसर के कीमोथेरेपी के साथ में दिया जाता है। कैंसर के रोगियों को इसकी पत्तियों की चटनी बनाकर नियमित दीजिए। अगर रोगी ऐसी हालत में हो जिसमें वो कुछ खा न सके तो इसका रस निकाल कर दे दीजिए। ध्यान रहे कि ये सुबह खाली पेट ही देना चाहिए शौच के बाद। अब आइए जानते हैं डायबिटीज़ में सदाबहार के फूल के फायदे और इसके उपयोग। सदाबहार के पूरे पौधे में लगभग 150 प्रकार के एल्कालॉइड पाए जाते हैं जिनका हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट होता है। ये इफेक्ट रक्त में शुगर के लेवल को कम करने के लिए बेहद लाभकारी है। ये एल्कालॉइड पैंक्रियास की बीटा सेल्स को शक्ति प्रदान करता है जिससे पैंक्रियास सही मात्रा में इंसुलिन निकालने लगता है। इंसुलिन ही वो हार्मोन है जो ब्लड में शुगर की मात्रा को संतुलित करके रखता है, इसलिए ये दोनों प्रकार के शुगर के रोगियों के लिए अत्यंत फायदेमंद है। डायबिटीज़ में इस पौधे के फूल, पत्ते, टहनी इत्यादि का रस आप पी सकते हैं या इसकी चटनी बनाकर खा सकते हैं, या फिर रात को 5 पत्ते 1 गिलास पानी में भिंगो कर रख दें और सुबह खाली पेट शौच के बाद इस पानी को पीजिए, और चटनी भी खाली पेट ही लेनी है। इसको करने से 10 दिन बाद अपनी शुगर जांच करवाएं, आपको निश्चित ही फायदा होगा। हाई ब्लड प्रेशर में सदाबहार के फायदे एवं उपयोग। सदाबहार की जड़ में एजमेलिसिन एंड सेरपेंटिन नामक एल्कालॉइड पाए जाते हैं जो कि एंटी हाइपरटेंसिव होते हैं। ये उच्च रक्तचाप के लिए अत्यंत प्रभावशाली हैं। इसकी जड़ को साफ करके सुबह चबा चबा करके खा लीजिए या फिर दातुन की तरह चबा चबा कर इसका रस पीते रहें और बाद में इसके अवशेष को फेंक दें। इसके साथ में आप अर्पगंधा की जड़ को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों को मिलाकर लेने से इसका रिजल्ट और भी अच्छा होगा। इसके साथ में आप सर्पगंधा की जड़ को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों को मिलाकर लेने से इसका रिजल्ट और भी अच्छा होगा। सर्पगंधा आप किसी भी पंसारी से ले लीजिएगा। अगर सर्पगंधा न भी मिले तो भी आप अकेले सदाबहार की जड़ को उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए जिन्हें हम जानते हैं। जब भी आप इस पौधे का इस्तेमाल करें तो ध्यान रहे कि आप गुलाबी रंग या सफ़ेद रंग के फूलों वाले सदाबहार के पौधे को ही इस्तेमाल करें। अगर आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बेहद लाभकारी होगा। इसमें भी अधिक गुणकारी सफ़ेद फूल वाले पौधे होते हैं। इनमें से भी अगर आपको सफ़ेद फूल वाले पौधे मिलते हैं तो वो ज़्यादा गुणकारी होते हैं पिंक वाले की अपेक्षा भी। तो कोशिश करें आप कि आपको वाइट फूल वाले ही पौधा मिले और उसके ही पत्ते या जड़ या फूल के रस का आप पान करें तो आपकी बीमारी में जल्दी लाभ होगा, ज़्यादा लाभ होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।